प्रणाम ऋषिवर। कल्याण भव। राजन, हमने जो आपको दायित्व सौंपा था, आपने उसका भली भांति पालन किया है। बस अब एक कार्य शेष है। कौन सा ऋषिवर? विवाह। लोपामुद्रा के विवाह की तैयारी कीजिए राजन। हम आज ही लोपामुद्रा के साथ विवाह करेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं ऋषिवर? ये आपकी कन्या है, आपने इसे जन्म दिया है, आप इसे विवाह कैसे कर सकते हैं ऋषिवर? यदि ऐसा हुआ तो पिता और पुत्री के विवाह की यह अनुचित परंपरा आरंभ हो जाएगी, जो कदापि उचित नहीं है ऋषिवर। राजन, कथा समाप्त हुई और मेरा कार्य भी। अब यहाँ से तेरा कार्य शुरू होता है। मेरा प्रश्न ज्ञात है ना? ऋषि अगस्त ने जिस स्त्री से विवाह किया, वो उनकी पत्नी थी या पुत्री? यदि तूने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उत्तर दो। सुनो बेताल, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर अत्यंत कठिन है। इतना कठिन कि हो सकता है ये संसार हमारे इस उत्तर को स्वीकार ही ना करे। यदि तुम्हारा उत्तर सही हुआ तो मैं अवश्य उसे स्वीकार करूंगा। तो सुनो बेताल, ऋषि अगस्त ने जिस स्त्री लोपा मुद्रा के साथ विवाह किया वो उनकी पत्नी ही थी, पुत्री नहीं। ये क्या बोल रहे हो तुम? विदर्भ के राजा ने क्या कहा तुम्हें याद नहीं? विदर्भ के राजा ने कहा था, चूंकि ऋषि अगस्त ने स्वयं लोपा मुद्रा का निर्माण किया था तो उनकी वो पुत्री हुई, पत्नी नहीं। बेताल, किसी भी कर्म का फल उस कर्म को करने के भाव पर आधारित होता है, और ऋषि अगस्त ने लोपा मुद्रा का निर्माण अपने विवाह के लिए किया था, इसलिए लोपा मुद्रा के जन्म के पीछे उनका स्पष्ट मनोभाव पत्नी प्राप्ति का था, पुत्री प्राप्ति का नहीं, और इसलिए लोपा मुद्रा ऋषि अगस्त की पत्नी ही हुई, पुत्री नहीं। बिल्कुल सही उत्तर दिया तुमने राजन। ऋषि अगस्त ने भी यही कहा था विदर्भ के राजा को। उसके पश्चात सर्वसम्मति से ऋषि अगस्त और लोपा मुद्रा का विवाह हुआ। भगवान विष्णु।